आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग सदैव उनकी सुरक्षा में इस तरह सुरक्षित रहें कि किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श ना कर पाए और आप सदैव सकारात्मकता की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हों और हमेशा अपना जीवन आगे अग्रसर करें उन्नति के पथ पर। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोटिवेशन मैग्नेट। मैं पूजा त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ। आज एक लंबे समय बाद मैं फिर से स्क्रीन पर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक प्रेरणादायी कविता के साथ, एक प्रोत्साहित करने वाली ऐसी कविता जो सभी तरह के भय को मिटा दे, जो हर तरह के भय का नाश करे और जो सदैव आपको इस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे कि जहाँ कोई किसी भी तरह का रुकने का नामो निशान तो हो ही ना, बस मुझे पता है तो ये कि मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ, बस मुझे इतना ही पता है। आज की कविता जो है वो मैंने हिंदी में ही लिखी है और इस कविता का शीर्षक है कोशिश। सो जस्ट अ सेकंड गाइस, आई हैव माय बुक। यस, कोशिश हूं मैं, एक कोशिश हूं मैं जो निरंतर तुम्हारे साथ चलती हूं। निडर हौसला हूं मैं, निडर हौसला हूं मैं तुम्हारा, हर दिन एक नया सवेरा सजाती हूं। करके कोशिश तुमने हर रोज मुझको पाया है, करके कोशिश तुमने हर रोज मुझको पाया है, हर रोज नई बुलंदी को तुमने आसमान में सजाया है। हूं कोशिश में तुम्हारी, हूं निडर, हूं निर्भय में, जहां हर रोज असंख्य काफिलों से सामना होता है मेरा और तुम्हारा, एक साथ ही एक मैदान पर, एक साथ एक ही मैदान पर निशस्त्र कई शस्त्रों से लड़े हैं हम। कोशिश हूं मैं तुम्हारी जो निरंतर प्रयत्न करती रहती हूँ, कोशिश हूं मैं तुम्हारी जो निरंतर प्रयत्न करती रहती हूँ, हर रोज तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर तुम्हारे मन से मिलती रहती हूँ। मना के मन को मैंने सात समंदर पार करती हूँ, मना के मन को तुम्हारे मैं सात समंदर पार करती हूँ, सात समंदर पार करके तुम्हें तुम्हारे साहस से मिलवाती हूँ। हर रोज भिड़ती हूँ मैं असंख्य विचारों से, हर रोज लड़ती हूँ हजारों इनकार से, हर रोज सूर्य के तेज से तुम्हें सज्ज करती हूँ, हर रोज कई शस्त्रों से मरती हूँ और पुनः हर क्षण जन्म लेती हूँ, हर रोज असंख्य सवालों की श्रृंखला में मैं एक उत्तर अवकाश हूँ, हर रोज समय की अदालत में लिखी जाती है मेरी गवाही, हर रोज समय की अदालत में लिखी जाती है मेरी गवाही, हर रोज समय की अदालत में होता है मेरा सवाल। हूं मैं कर्म योग की गीता, हूं मैं अनुभव का कुरान, हूं मैं कर्म योग की गीता, हूं मैं अनुभव का कुरान, पढ़ ले बंदे मुझे एक बार, पढ़ ले बंदे मुझे एक बार, कर ले बंदे हिम्मत एक बार, ठान ले करनी है कोशिश फिर एक बार। हूं मैं कोशिश तुम्हारी, तेरे भय से तुझे मुक्त करूंगी, हूं मैं कोशिश तुम्हारी, तुम्हारे भय से तुम्हें मुक्त करूंगी, हूं मैं कोशिश तेरी, तुझे विश्व में आज सिद्ध करूंगी, हूं मैं कोशिश तुम्हारी, तुम्हें विश्व में आज सिद्ध करूंगी। ये थी आज की प्रेरणादायी कविता कोशिश। कोशिश हूं मैं तुम्हारी, चल बंदे तेरी उड़ान कर, कोशिश हूं मैं तुम्हारी, चल बंदे अपनी उड़ान कर, न डर इन हवाओं से,
इन हवाओं में तेरा इतिहास है। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये कविता कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ये मेरे लिए एक आदर होगा कि मैं इस कविता के बारे में आपके जो भी मंतव्य हैं, आपके जो भी विचार हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगी। और एक इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो भी हमारे दर्शक हैं, आदरणीय दर्शक हैं, उनमें से अगर कोई भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार है या ऐसी ही कोई मेंटल स्टेट का शिकार है, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प देम, आई विल असिस्ट यू टू स्टेप यू आउट ऑफ योर डिप्रेशन। मैं आपकी सहायता करूंगी कि आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना संपर्क नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। निसंकोच अपने आप को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जहां आप अपने अंदर इतना सारा क्या बोले कि इमोशन या फिर अपनी भावनाओं को इतना दबा के रखते हैं, जिस वजह से ये डिप्रेशन का स्टेट आ जाता है, और इसकी वजह से आप इतना पजल होते हैं अंदर ही अंदर, इतना खुद से भिड़ते हैं, डर जाते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो मन है वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता, और इस वजह से आप एक भय जैसे वातावरण में इतना गिर जाते हैं खाई में अंदर कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। दिस इज अ सर्विस डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटी एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती इसके लिए दोस्तों, ये सहायता मानवता को समर्पित है। सो अगर आप इसके लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, या ऐसी कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपको पीड़ा दे रही है बहुत मानसिक, और आपको लगता है कि शेयर करने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस होंगे, आप अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, तो निसंकोच शेयर कीजिए ये बात। ये बात गोपनीय रहेगी आपकी, मुझ तक ही, और बाहर कहीं भी किसी को भी नहीं जाएगी, इस बात की मैं अश्योरिटी देती हूँ आपको। सो विथ दिस आई एंड टुडेज एपिसोड। एंड एक और बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी एक और चैनल है हृदयना स्पंदन, जहाँ पे मैं पोएम्स, लव कविताज, शायरीज और कई सारी ऐसी चीज़ों के साथ उपस्थित होती हूँ। सो अगर आपको शायरी और ऐसी कविताएं पसंद हैं रिलेटेड टू इमोशंस, प्यार के जज्बात ही, ये प्यार को खोलो और प्यार से जियो, तो अगर आपको ये पसंद है तो बेहिचक बेशक चैनल देखिएगा ज़रूर एक बार, ऐसा मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करूँगी। एंड आशा करती हूँ कि आप अपने फीडबैक्स देंगे मुझे। एंड अगर आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं मुझसे, तब भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। आई विल बी अप टू डेट विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज विद द टॉपिक्स ऑन योर डिमांड, बिकॉज टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जहाँ अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए गिनती आसमान भी कम है, पर अगर आप लोगों के टॉपिक्स अगर मैं पूछूं या आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि टॉपिक्स किन विषय पर आप मुझसे ये बात सुनना चाहते हैं, तो ये आप लोगों की भी एक तरह से सहायता होगी, और मैं मानवता की ही सहायता करना चाहती हूँ, मानवता को फिर से पुनर्जीवित करना चाहती हूँ। सो लेट्स जॉइन द हैंड्स फॉर दिस मिशन एंड लेट्स बी ह्यूमंस अगेन। जो मानव हम भूल गए थे बनना, जो मानव हमने ईश्वर ने स्वयं इस सृष्टि में बना के भेजा है, वो मानव तो हम बनना ही भूल गए हैं। न जाने क्या क्या बन गए हैं, लेकिन मानव नहीं बचे हम, मानव नहीं रहे। सो टर्निंग बैक अ न्यू एरा टू ह्यूमैनिटी, लेट्स बी ह्यूमन। इस विचार के साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त कर रही हूँ, और फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, एक विषय के साथ।
आपकी फरमाइश पर फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और एक विश के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट कीजिए सकारात्मकता से। सकारात्मकता आपकी ऊर्जा को सदैव फलीभूत करे। इस विश के साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं अलविदा कह रही हूं दोस्तों। यस, बाय बाय, सी यू।